करने वाली हूँ सुपर टेस्टी एकदम डिलीशियस नए तरीके की पास्ते की रेसिपी जो कि आपको बहुत ज्यादा ये पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वाति की किचन में बहुत बहुत स्वागत है, जिसकी टैगलाइन है कुक फूड विद लव। तो हमारा जो पास्ता बनके तैयार होगा वो प्रोटीन पास्ता बनके तैयार होगा, तो आप इसको एक बार जरूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। प्रोटीन पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पास्ता, अगर आप इसको वजन में नापेंगे तो ये 100 ग्राम है। और साथ में मैंने ली है 50 ग्राम पालक। पालक को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और इसके पीछे की जो डंडियां होती है मोटी मोटी उसको मैंने हटा दिया है। और साथ में मैंने लिए हैं 10 से 12 काजू। तो सबसे पहले हमें पास्ते को बॉईल करना है, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। और अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है और जिसमें मैं 1 गिलास पानी को डाल देंगे, साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ में डालेंगे आधी टेबल स्पून ऑयल। दोनों चीजों को मिला देंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पास्ता और इसको मिला देते हैं। और अब पास्ते को अच्छे से बॉईल होने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि पास्ता जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए जो पास्ता है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसको साइड पर रख देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी हमने जो ये पालक ली है धो के, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी के साथ में डालेंगे 10 से 12 काजू, 3 से 4 लहसुन की कली, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पानी। और अब सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना ये बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, ये देखिए इस तरह ये बना के तैयार करना है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और हमने जो ये पालक का पेस्ट बना के रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको ऑयल में मिला देते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। और इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है, बस इतना ही हमें इसमें डालना है। और अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। और यकीन मानिए अगर आपने इसको एक बार मेरे तरीके से प्रोटीन पास्ता बना के देख लिया तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे पास्ता बनाने के। बहुत ही सुपर टेस्टी एकदम डिलीशियस ये प्रोटीन पास्ता बन के तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको मैंने बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम मसालों में बना के तैयार किया है। और मैंने इसमें जो काजू पालक का पेस्ट जो डाला ना, उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और आज आपको ये पास्ते की नई रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप इसको नए तरीके से बच्चों को पालक भी खिला सकते हैं, बहुत ही सुपर टेस्टी एकदम डिलीशियस ये पास्ता बन के तैयार होता है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको निकाल दे सर्विंग प्लेट में। और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर से। और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें हमने पालक को ऐड किया है, क्योंकि हमने इसमें पालक और काजू का पेस्ट मिलाया है जो कि बहुत ही अलग इसका टेस्ट आता है। तो मैं तो चल इसको एंजॉय करने, आप चाहे तो इसको अपने लंच में डिनर में कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिना चटनी के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपको ये मेरी प्रोटीन पास्ते की रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।